हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मित। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट दो अपडेट लेकर आई हूँ, जिसमें एक आ चुका है PWD डिपार्टमेंट की तरफ से। इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड जो अपडेट आया है KVS की तरफ से आया है, इसमें भी इंडिया में किसी भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, दोनों एलिजिबल है और दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, दोनों नोटिफिकेशन का वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे नए डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके वहाँ पर इंफॉर्मेशन लेकर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। आप चाहो आप इसको डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे रिक्रूटमेंट की, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे PWD डिपार्टमेंट का जो अपडेट है उसके लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। एज इट इज़ हम डिस्कस करेंगे जो KVS का अपडेट है उसके बारे में। और KVS का जो अपडेट है 6 से 7 अलग अलग लोकेशन के लिए आउट किया गया है। वैकेंसीज सबके लिए सेम आउट हुई है, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। बात करें हम रिक्रूटमेंट की, जिसमें जो फर्स्ट अपडेट आया है PWD डिपार्टमेंट की तरफ से आ चुका है, जिसके लिए इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, मेल है फीमेल है दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट में आपको पहले बताती हूँ अप्लाई कैसे करना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फर्स्ट जो लिंक प्रोवाइड किया है PWD डिपार्टमेंट का ही किया है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे लास्ट में आपको मिल जाते हैं रिक्वायर्ड लिंक। रिक्वायर्ड लिंक में पहला लिंक आप देख पाएंगे नोटिफिकेशन PDF का, एंड सेकेंड आप देख पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन का। तो सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पे करना है क्लिक। क्लिक करेंगे सबसे पहले जो आपका स्टेप रहेगा दैट इज़ रजिस्ट्रेशन। किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करें रजिस्ट्रेशन मस्ट होती है। तो जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, सिंपली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके अपनी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, फादर नेम, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कब आपने पास आउट किया है, एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको सबमिट कर देना है। इसी तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बिकॉज़ काफ़ी सारे कैंडिडेट के बाद में यही कमेंट्स आ रहे होते हैं, अप्लाई का नहीं पता चल पा रहा है, बिकॉज आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम आती है। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बात करें हम रिक्रूटमेंट की, इसमें अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें PWD डिपार्टमेंट के लिए 281 वैकेंसीज आउट की गई हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपको इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, मीन्स किसी अदर मोड से अप्लाई नहीं करना है, ईमेल आईडी के थ्रू या फिर ऑफलाइन आपको अप्लाई नहीं करना है, वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए इन्होंने ऑनलाइन अपना पोर्टल दिया हुआ है, वहीं पर आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है, जिसका लिंक एक्टिवेट किया जा चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं PWD डिपार्टमेंट का जो अपडेट है इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, एंड सेकेंड इसमें आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होने वाली है। इसके बाद हम बात करें सैलरी की, तो इसमें आपके 15,600 से 39,100 पर मंथ सैलरी रहने वाली है, प्लस आपका एज़ पर नॉर्म्स इसमें ग्रेड पे भी रहेगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, अप्लाई करना भी इसके लिए स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करिए एप्लीकेशन फ़ी की, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपको पे करना है 225 रुपीज़। इसके अलावा SC ST के लिए 105 रुपीज़ एप्लीकेशन की फ़ी है। इसके बाद बात करें फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए, तो उनके लिए 25 एप्लीकेशन की फ़ी रहने वाली है। और एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो भी आपको ऑनलाइन पे करनी है। जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी फ़ी पे करने के लिए।
तो सिंपली आपको अप्लाई करते वक्त फ़ी को पे कर देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की। अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 13 सितंबर तक आपको अप्लाई करना है। काफ़ी टाइम है आपके पास, तो आपको इजीली इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। अब नेक्स्ट इसके लिए बात आती है एज लिमिट की। आपकी एज इन वैकेंसीज के लिए मिनिमम 21 है, आप अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम 40 है तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट है, जैसे अगर ओबीसी कैंडिडेट आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, SC ST को 5 साल का, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, बाकी अदर्स को एज पर नॉर्म्स में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, अप्लाई आपको ज़रूर करना है। बिकॉज इंडिया में कोई भी लोकेशन है आपकी, चाहे कोई सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है या विलेज है, हर कोई एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो स्टेट इंजीनियर सर्विसेज की ये वैकेंसीज हैं। जिन्होंने बैचलर डिग्री रेलिवेंट डिसिप्लिन में की है वो सारे कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड अपडेट की, जो कि KVS की तरफ से आ चुका है, जिसमें 6 से 7 अलग अलग लोकेशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। बट वैकेंसीज की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम इसमें आउट की गई है। और जो KVS का अपडेट है, इसमें ना तो आपको कोई फ़ी पे करनी है, ना ही इसमें आपका कोई एग्ज़ाम होने वाला है। डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाली है, किस बेसिस पे आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको क्लियर कर देती हूँ इसके लिए अप्लाई किस तरीके कैसे करना है आपको। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 6 से 7 तरह के अपडेट आए हुए हैं। मोस्टली जो अपडेट है, आपको कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है। मीन्स फॉर्म तो उन्होंने एप्लीकेशन का अपनी वेबसाइट पे दिया ही हुआ है, आपको क्या करना है उसको डाउनलोड करना है, फिल करके इंटरव्यू पे आपको लेके जाना है। डायरेक्ट आपकी इसमें इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होने वाली है और सैलरी भी बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाली है, तो ज़रूर इसके लिए भी आपको अप्लाई करना है। काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट्स कब से आ रहे थे कि KVS की वैकेंसीज कब आएंगी। KVS का प्लस पॉइंट ये भी होता है, सपोज दैट आप बिलोंग करते हैं पंजाब से, आप हरियाणा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पंजाब में अगर वैकेंसीज नहीं है, तो इसमें होता क्या है कि आप अपने बाद में ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है, तो ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं इन वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फ़ी। मैंने आपको क्लियर कर दिया, किसी के लिए कोई नहीं है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट इसके लिए हम बात करते हैं आपकी वैकेंसीज कौन कौन सी आउट की गई है। तो इसमें जो वैकेंसीज है, प्राइमरी टीचर की है, मीन्स PRD के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। 12th पास कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। कोई एज की बाउंडेशन नहीं है, अगर होती तो ये मेंशन करते। आपकी एज मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 प्लस, जितनी मर्जी आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन 50 के अराउंड भी है तब भी आप एलिजिबल है और इन वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज आउट हुई है। इसके लिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है रेलिवेंट सब्जेक्ट में, बिकॉज अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आउट की गई है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल सब्जेक्ट, आपके सोशल साइंस के लिए वैकेंसीज आउट की गई है, अलग अलग सब्जेक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो TGT के लिए आउट हुई है, मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो इसके लिए भी आप में से बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन रेलिवेंट डिसिप्लिन में की हुई है और साथ में आपने BEd की हुई है, आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर मैं सैलरी की बात करूँ, हर एक अपडेट के लिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है, एज़ पर नॉर्म्स आपकी रहेगी, बट हाँ 28,000 से अबव ही आपकी इसमें सैलरी रहने वाली है। प्लस पॉइंट ये है, एग्ज़ाम कोई नहीं है, फ़ी कोई पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अप्लाई करना है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू आपकी कंडक्ट होगी। वो आपको इंटरव्यू में देखिए, आपके पहले क्या होता है कि अगर आपकी पर्सनल इंटरव्यू हो रही है HR के साथ हो रही है, तो आपका उसमें जस्ट कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है। बाकी जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड तो आपसे पूछा ही जाएगा जो भी क्वेश्चन रहेंगी। बाकी दोनों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, पहला PWD डिपार्टमेंट का, सेकेंड KVS का, चेक करके ज़रूर आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइमली पहुंच जाए, सब्सक्राइब करके चैनल को, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।